हैवानियत की सारी हदें पार। 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ हुआ गैंगरेप। आरोपियों ने 60 वर्षीय महिला के स्तन काटने और उसका गला काटने से पहले उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने 4 लोगों की गिरफ्तारी के साथ बुजुर्ग महिला से गैंगरेप और हत्या के मामले का खुलासा किया। दरअसल बुजुर्ग महिला ने अपने पति के साथ नवादा में अपने रिश्तेदार से मिलने आई थी। उन्होंने बताया कि 25 दिसंबर को ट्रेन से नवादा पहुंचने के बाद जब वो सड़क पर इंतजार कर रही थी तो उसका पति अपना मोबाइल फोन रिचार्ज करने के लिए पास की दुकान पर गया। उसी समय एक शव यात्रा चल रही थी, इसलिए सड़क पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। वादा के सदर SDPO अजय प्रसाद ने बताया कि पुलिस को महिला का शव 26 दिसंबर को खरदी बिघा इलाके से मिला। इलाके की CCTV फुटेज को स्कैन करने के बाद एक आरोपी सुनील यादव का पता लगाया। उन्होंने कहा कि पूछताछ के दौरान ये पाया गया कि सुनील यादव ने पीड़िता को फुसलाया और उसे शहर के चारों ओर एक ई रिक्शा पर घुमाने के लिए ले गया और इसी दौरान उसके 4 दोस्त भी उसके साथ शामिल हो गए। महिला को एक सुनसान जगह पर ले जाया गया और उसके साथ गैंगरेप किया। इस अपराध को अंजाम देने के बाद उन्होंने उसका गला और उसके स्तन काट दिए, फिर उन्होंने शव को नाले में फेंक दिया।